दोस्तों राम राम। आप सभी को देखिएगा, आज पता चला होगा कि स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि स्टॉक मार्केट हर चीज़ को एडजस्ट करता है। स्टॉक मार्केट ने वैल्यूएशन दिए 400 पार के, और जब उसे 400 पार जैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो स्टॉक मार्केट में मोस्ट ऑफ द पीपल ने देखिएगा कल प्रॉफिट बुक कर लिया था। आपको भी पता था, एग्जिट पोल के बाद ही देखिएगा इतना बड़ा रिएक्शन देखने को मिल गया, और फिर देखिएगा कोई वजह नहीं बची थी कि इतना ज़्यादा देखिएगा वेट किया जाए और देर तक देखिएगा पोजीशन को होल्ड किया जाए। बट ऐसा भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बीजेपी और एनडीए 350-340 ये यहाँ तक का आंकड़ा भी देखिएगा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जब ये चीज़ें शुरू हुई तो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट ने पहले रुझान के बाद से ही देखिएगा अपना रूप दिखाना शुरू करा, और एक टोटली देखिएगा डिस्काउंट किया सीटों के हिसाब से स्टॉक मार्केट को। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये भूल जाएंगे कि यहाँ पे ये नहीं भूलना है कि सरकार वही चलेगी जो पिछले 10 साल से चल रही है, यानी कि सरकार में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो ऐसे में जब सरकार वही चलेगी, आपने अडानी का केस देखा था कि हिडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद एकदम 80% स्टॉक देखिएगा डाउन हो गए थे, और लोग कह रहे थे कि आप अडानी वैसे वापस नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे, वैसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन 3 महीने बाद ही उसके बाद वैसे ही देखिएगा वैल्यूएशन आना शुरू हुए, और आज आपको 2 दिन पहले अगर आपने देखा होगा कि एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं अडानी। तो सेम देखिएगा गवर्नमेंट में भी है, 20 मिनट पहले की अपडेट है, आप देख सकते हो कि ये कंफर्म है कि आप हमारे देखिएगा जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र देखिएगा दामोदर दास मोदी ही देखने को मिलेंगे, और वही पॉलिसी, वही योजनाएं, वही चीज़ें कंटिन्यू होंगी, और सरकार भी स्टेबिलिटी के साथ चलेगी, क्योंकि एनडीए को ही एक बड़ा बहुमत मिल रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात क्या आती है, सबसे बड़ी बात क्या आती है कि आप केवल आज की पोजीशन को देखकर एकदम डर जाओ और आप ब्लू चिप स्टॉक में भी हाथ ना लगाओ, ये गलत है। क्योंकि अभी 2 से 3 ऐसे अनाउंसमेंट होंगे, मैं आपको बता देता हूं, 1, 2, 3 अनाउंसमेंट ऐसे होने वाले हैं जिसके बेसिस पे स्टॉक मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। पहला देखेगा मोदी जी की कॉमेंट्री, वो क्या कहते हैं, वो क्या चाह रहे हैं, वो कौन से विजन को अब आगे लेके चलेंगे, और बेहतर तरीके से एनडीए काम करेगी। चूंकि आज स्टेट इलेक्शन के भी रिजल्ट आए हैं जिसमें क्लियर मेजॉरिटी के साथ बीजेपी ने सरकार वहां पे बनाई है, तो वो जब एक विजन देंगे तब स्टॉक मार्केट उससे थोड़ी सी राहत की सांस देगा। फिर आपको पता होगा कि यहाँ पे जब वो शपथ लेंगे तब यहाँ पे स्टॉक मार्केट के लिए वही योजनाएं, वही एक जो टास्क है उसको लेकर वो आगे बढ़ेंगे। और तीसरा, जो जितनी भी पॉलिसी हैं और इस बार मंत्रिमंडल का जो देखिएगा गठन होगा, उन सब चीज़ों पे देखिएगा जैसे जैसे चर्चा होगी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमेंट्री है एनडीए की आज की कॉमेंट्री, जो आपको आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट को संभालने में, और मोदी जी की कमेंट्री जो स्टॉक मार्केट को संभालने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। तो ये मत भूलिए कहीं से भी कि सरकार वही रहेगी जो थी, सरकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हाँ, जब आप देखिएगा एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्म करोगे तो आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। स्टॉक मार्केट है वो तुरंत देखिएगा आपको क्या करता है, फैक्टर इन करता है, और फिर से देखिएगा एनडीए एक मजबूत गठबंधन है, टोटली देखिएगा पूरी तरीके से एक गठबंधन है जो बहुत ही मजबूत है। तो ऐसे में कि यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि क्लियर मेजॉरिटी के साथ फिर से वो वैसे ही वर्क करेंगे जैसे वो पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, और जब वो कॉन्फिडेंस देंगे मार्केट को भी और आगे विजन को भी कि अब हमसे जो गलतियां हुई वो हम कैसे सुधारेंगे, उस पर जब देखिएगा वो कुछ मुद्दे बोलेंगे तो स्टॉक मार्केट रिकवरी भी करेगा। तो इस टोटली ओवरसोल्ड स्टॉक मार्केट में ये नहीं भूलना है कि सरकार में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, सरकार वही है और मार्केट स्टेबिलिटी को पसंद करता है। ये आने वाले 15-20 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। बी रेडी फॉर इट। राम राम।